हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल आदरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 9.5 ऑफ क्लास 8। द क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट फिफ्थ। तो स्टेटमेंट गिवन है 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दोनों जो हमें ये ब्रैकेट में गिवन है पार्ट, दोनों को हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाली यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज होगा। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, जब हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, तो मतलब 2.5p का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस b का स्क्वायर करने हैं तो 1.5q का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड माइनस 2ab होता है ना, तो a की जगह 2.5p मल्टीप्लाई 1.5q, ठीक है। तो हम 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 के साथ ही करेंगे, आंसर हो जाएगा 6.25 स्क्वायर प्लस 1.5। जैसे हम नॉर्मल ये सोच सकते हैं कि 2.5 को एक बार पॉइंट को छोड़ के अगर हम नॉर्मल लिखें तो कितना होता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। सेम इसी तरीके से 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 2.25 स्क्वायर प्लस, जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 की और 2.5 की तो कितनी हो जाएगी 5, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो कितना हो जाएगा 7.5 p q। तो ये समझ आ गया होगा आपको फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व, 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, नेगेटिव वाला, तो ए स्क्वायर होता है, तो 1.5p का होल स्क्वायर प्लस 2.5q का होल स्क्वायर माइनस 2pq होता है ना, तो 2p की जगह 1.5p 2.5q, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में 1.5p का हम स्क्वायर करेंगे तो 2.25p स्क्वायर प्लस 6.25q स्क्वायर माइनस, इसकी मल्टीप्लीकेशन भी कितनी हो जाएगी 2 × 1.5 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2.5 के साथ हो जाएगी 7.5 pq। समझ आ गया, ये सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो पहले जितना भी आंसर आया है उसमें से जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहना क्या है, 2.5p माइनस 1.5q की जो भी वैल्यू आई है वो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.5p माइनस 2.5q स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो ये है, 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 7.5pq, एंड माइनस का साइन लगा के हमने 1.5p माइनस 2.5q का स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। तो जैसा कि हमें पता है कि ब्रैकेट के आगे माइनस है तो माइनस तो सारी वैल्यूज के आगे हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6.25p स्क्वायर माइनस 2.25p स्क्वायर करेंगे, 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 7.5pq, माइनस में हो जाएगा 2.25p स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे 6.25p स्क्वायर माइनस 2.25p स्क्वायर, तो जब हम माइनस करेंगे 5 - 5 = 0, 2 - 2 = 0, 6 - 2 = 4 p स्क्वायर, एंड 2.25q स्क्वायर माइनस 6.25, तो यहाँ पे भी जब हम माइनस करेंगे तो -4.00q स्क्वायर, एंड प्लस का और माइनस का 7.5pq क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4.00 लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे करेंगे 4p स्क्वायर माइनस 4
क्यू स्क्वायर, और अगर हम 4 कॉमन लें तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। समझ आ गया होगा ये पार्ट आपको। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ। नेक्स्ट पार्ट है ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी। हमें यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं दो वैल्यूज गिवन है, बीच में प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे प्लस वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर को। तो जैसे इन्होंने शुरू में जो नंबर गिवन है ए स्क्वायर इसको सॉल्व किया, वैसे ही हम जो स्टार्टिंग में नंबर गिवन है इसका हम स्क्वायर करेंगे ए बी का, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना, टू यहाँ पे इतना आ जाएगा फर्स्ट पे ए बी एंड देन बी सी, ठीक है। स्क्वायरिंग हम सॉल्व करेंगे तो ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर, और फिर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर का आंसर आ गया, और हमें क्या करना है इस आंसर में ये टू ए बी स्क्वायर सी माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या है ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर में टू ए बी स्क्वायर सी की वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर सी माइनस करना है टू ए बी स्क्वायर सी। ये नंबर हमें माइनस करना है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ आ गया होगा आपको ये आंसर है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट सेवंथ। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे सेवंथ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम स्क्वायरिंग वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जहां स्क्वायरिंग हमें सॉल्व करनी है वहां नेगेटिव साइन है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे नेगेटिव वाली ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हम यूज करेंगे। इसके बाद में सॉल्व करेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में नंबर होता है उसको स्क्वायर करना होता है, तो हमें क्या करना है एम स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये जो सेकेंड पे नंबर है एन स्क्वायर एम, इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फिर क्या होता आगे माइनस टू ए बी, तो हम कहेंगे टू ए की जगह कितना है एम स्क्वायर, बी की जगह कितना है एन स्क्वायर एम, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एम स्क्वायर की जगह एम क्यूब है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एम की पावर कितनी हो जाएगी फोर प्लस एन की पावर कितनी हो जाएगी टू एंड टू फोर एंड एम की टू माइनस टू, एम की पावर टू है और एम की पावर वन है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी एड। तो यहाँ पे एम की पावर हो जाएगी थ्री एंड एन की पावर हो जाएगी टू। तो जो ये आंसर आया है इसमें से हमें क्या करना क्या है इसमें टू एम क्यूब प्लस एन स्क्वायर एड करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें गिवन है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर में हमें ऐड करना है टू एम क्यूब एन स्क्वायर, ये ऐड करना है। तो होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एम की पावर फोर प्लस एन की पावर फोर एम स्क्वायर माइनस टू एम क्यूब एन स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे रह गया एम की पावर फोर प्लस एन की पावर फोर एम स्क्वायर। तो एम की स्क्वायर यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में क्या आ रही है कॉमन आ रही है ना, तो एम स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी है फोर, तो स्क्वेयरिंग तो बारी आ गई तो कितनी पावर आ जाएगी टू प्लस एन स्क्वायर, और ये आंसर है।
ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो जो ये फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमने आइडेंटिटी यूज करनी सीखी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।